Good morning to all. I hope you all are fine. In this video, we start exercise 2.2 of class 10. The chapter name is polynomial. Previously, हमने जो video देखा था, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें हमने discuss किया था 2.1, है ना? इसी का कि अगर आपको number of zeros सिर्फ graph के base पे बताने हो, तो आप लोग कैसे बताओगे? Fine. And next हमने देखा था कि अगर हमको relationship verify करना हो between coefficient and zeros का, तो वो हम लोग with the help of क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे करेंगे, है ना? सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए के रिस्पेक्ट में देखा था. अब हम स्टार्ट करेंगे उसी पे बेस्ड एक्सरसाइज 2.2. तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे इसकी क्वेश्चन नंबर 1 से, विच इज़ फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट. ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. कैसे बताया आपको क्वेश्चन करने का तरीका? देखो, सबसे पहले हम इसके जीरोस फाइंड करेंगे. किसको स्प्लिट करके? मिड टर्म को. सबसे पहले मैंने आपको बताया था, अगर आपको ध्यान हो, कि अपन करते हैं a इंटू सी, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं. कितना हो रहा है फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई? माइनस 8, है ना? अब हम क्या करेंगे, हम लोग 8 के फैक्टर करेंगे. और कैसे करेंगे कि हमको क्या मिलना चाहिए? माइनस 2 मिलना चाहिए. एक बार फैक्टर करके भी देख लेते हैं. ये हो गया, आपको चाहिए माइनस 2. चाहे आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो अपवर्ड टू डाउनवर्ड, या डाउनवर्ड टू अपवर्ड करो, आपकी फैक्टर बिल्कुल सेम है. 2 2 2 ही है, तो 2 2 4, एंड 4 और 2 अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? माइनस 2. अब माइनस 2 कैसे मिलेगा? जब आप बड़ा नंबर नेगेटिव रखोगे एंड छोटा नंबर पॉजिटिव रखोगे, लाइक दिस. ये हो गया. नाउ कॉमन लेना है हमें. x प्लस 2 एंड x माइनस 4. अब x प्लस 2 एंड x माइनस 4 से आपके जीरोस क्या जाएंगे? माइनस 2 एंड 4. इसको जीरो के इक्वल पुट करना है, ठीक है? तो x प्लस 2 को आपने पुट करा तो माइनस 2 आया, एंड x माइनस 4 को पुट करा तो प्लस का 4 आया. अब हम लोग करते हैं इसका यहाँ पे वेरिफिकेशन. कैसे होगा वेरिफिकेशन? सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है? माइनस 2 प्लस 4 2 आ रहा है. और अगर अल्फा प्लस बीटा अपन लोग उससे देखें फॉर्मूले से, माइनस बी अपॉन ए, मैंने यहाँ पे सिंगल सिंगल लिखा नहीं है, बट ए इक्वल्स टू 1 है मेरा, बी इक्वल्स टू माइनस 2 है, एंड सी इक्वल्स टू माइनस 8 है. तो ये ऑलरेडी माइनस 2 है, तो हो जाएगा प्लस का 2, एंड इट्स ऑल्सो बिकम 2. अब अल्फा इंटू बीटा, माइनस 8. अब फॉर्मूले से देखें अपन, माइनस 8, इट्स वेरीफाइड, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 6x² माइनस 3 माइनस 7x. देखो, ऐसा नहीं है कि आपको माइनस 3 मिड में दिख गया तो आपने इसको स्प्लिट करना स्टार्ट कर दिया. नहीं, आपको पहले इसको अरेंज करना है. अगर ये अरेंज नहीं हो तो, जैसे कि इस क्वेश्चन में नहीं है, पहले आएगी टर्म एक्स स्क्वायर की, फिर आएगी एक्स वाली, एंड देन कॉन्स्टेंट आएगा. तो सबसे पहले तो आपका काम है इसको अरेंज करना आगे पीछे करके. अब सही है, अब इसके हम फैक्टर करेंगे. कैसे करेंगे? 6 3 18. 18 के अगर आप फैक्टर देखोगे ना, प्रैक्टिस कर करके आपको फैक्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको टेबल्स अच्छे से आती है. 9 × 2 = 18 होते हैं, और 9 एंड 2 को हम लोग सिंप्लीफाई करके 7 ला सकते हैं. तो कैसा आएगा ये? माइनस का 9x प्लस का 2x, यानी कि मैंने सिर्फ 7 को लिखा है प्लस माइनस इस फॉर्म में, दैट इज 7x, एंड क्या चल रहा है मेरा ये? माइनस का 3. अब कॉमन, कॉमन कैसे आएगा? इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? 3x. इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? 1 को बाहर रखेंगे.
अब दो ब्रैकेट्स कौन से आ गए मेरे पास, 2x-3 एंड 3x+1। जब हम लोगों ने इसको रेस्पेक्टिवली जीरो के इक्वल रखा दोनों को, तो हमें क्या मिला, सबसे पहले तो हमें एक x की वैल्यू मिली 3/2 दैट इज़ अल्फ़ा, एंड सेकेंड हमको मिली -1/3 दैट इज़ बीटा। ठीक है, ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा। अब क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले वेरीफाई के लिए, वेरीफिकेशन के लिए सम ऑफ जीरोज़ निकालते हैं। सम ऑफ जीरोज़ क्या आएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा। एलसीएम आया 6, ये हो गया 7/6। अब अगर अपन इसकी हेल्प से देखें, ये रहा हमारा इक्वेशन, इस वाले को मत देखना क्योंकि अरेंज नहीं है और ये अरेंज्ड है। -b/a कितना होता है 7/6, ये वेरीफाई है। नाउ अल्फा इनटू बीटा, -3/6 एंड c/a कितना बन रहा है, इट ऑल्सो वेरीफाइड। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड देन 5th। देखो ये भी दो टर्म है ना, और हमने पहले वीडियो में मैंने आपको एग्जांपल समझाया था जिसके अंदर भी दो ही टर्म थी, बट उसके अंदर आपके पास मिडिल टर्म नहीं थी, मतलब x वाला कोफिशिएंट नहीं था, इसके अंदर है। इसमें क्या नहीं है हमारे पास, इसमें हमारे पास c नहीं है। अगर हम देखें तो स्क्वायर वाला a होता है 7 वाला, एंड यहाँ पे c नहीं है, तो स्प्लिटिंग तो हम इसकी भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये तो फॉर्मूला भी नहीं बन रहा a²-b² का, इनमें से कॉमन लेंगे हम, कॉमन तो आ रहा है हमारे पास आराम से, दोनों में से 4u कॉमन आ रहा है, मैंने 4u को बाहर ले लिया, अंदर कितना बचा, ये बचा। अब इनको अपन दोनों को, क्योंकि ये क्या बन गए, दो जीरो जो तो बन गए, इन दोनों को हम लोग रेस्पेक्टिवली किसके इक्वल रखेंगे, जीरो के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से u की वैल्यू जीरो, इसका मतलब अल्फा इक्वल टू जीरो, एंड बीटा की बात करें तो ये प्लस का 2 यहाँ के माइनस का 2 बन जाएगा, तो बीटा इक्वल्स टू -2। अब निकालो अल्फा प्लस बीटा, -2 अल्फा इंटू बीटा 0। अब अल्फा प्लस बीटा कितना आया -2। वैसे अगर अपन देखें विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला तो क्या होता है, -b/a ये हो गया -2 एंड c/a कितना हो रहा है 0/4 विच इज़ 0, तो ये आ रहा है -2, ये भी आ रहा है -2, ये आ रहा है 0, ये भी आ रहा है 0, वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 विच इज़ t²-15। अब देखो ये कैसा क्वेश्चन है, जैसा हमने एग्जांपल में देखा था पहले वाली वीडियो में, इसको हम लोग क्या फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि इसमें कॉमन नहीं आ रहा कुछ भी, तो उसको बनाएंगे a²-b² क्या बनता है, जो a+b a-b। अब a² मतलब t² एंड b² मतलब √15 का स्क्वायर, तो a+b एंड a-b। अब इनको जीरो के इक्वल रखा तो अल्फा आया, प्लस का √15 है तो माइनस का √15, ये माइनस का आया तो ये प्लस का आया, सम ऑफ जीरोस करते हैं। अब देखो प्लस माइनस माइनस ये तो कैंसिल हो गया, रूट और रूट मल्टीप्लाई होके रूट हट जाता है तो ये आया। अब इसको चेक करते हैं, -b/a, तो यहाँ पे a है हमारे पास 1, b है 0 एंड c है -15। अब देखो -b/a तो 0 ही है, ये तो
Now C upon A. Alpha into beta. अब ये कितना हो रहा है? Minus 15 और 1 upon में. Minus 15. ठीक है, इट्स ऑल्सो वेरीफाइड. फाइन. अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे, है ना? दो दिन पहले क्वेश्चन बचे, वो सब मिडिल वाले हैं, वो आप आराम से कर लेना. अब सेकेंड क्वेश्चन ये है आपका कि अगर आपको इक्वेशन में, मतलब सॉरी, अगर आपको जीरोज दे रखे हैं, जैसे अभी ना हमको इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन वाली फॉर्म दे रखी है और ये जीरोज हम निकाल रहे हैं, दैट इज अल्फा बीटा. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना सेकेंड वाला, उसमें आपको अल्फा बीटा गिवन है या अल्फा बीटा गिवन नहीं भी है ना, तो आपको ये वाली फॉर्म गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है वो गिवन है पूरा कंबाइंडली, एंड अल्फा इंटू बीटा कंबाइंडली गिवन है. ठीक है, तो हम लोग है ना इसकी हेल्प से इक्वेशन फॉर्म करेंगे. ठीक है, एक बार आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में वापस बता देती हूँ, फिर हम लोग इसको सेकेंड क्वेश्चन को भी देखते हैं. देखो, एक बेसिक फॉर्म इक्वेशन की ये भी होती है कि पहली टर्म होती है एक्स स्क्वायर की, कोफिशियंट 1 है इसका. ठीक है, फिर इसका कोफिशियंट हमने एक्स के साथ वाला क्या लिखा है, जो बी होता है ना वो हमारा रिप्रेजेंट करता है सम को, ये हमने पहले देखा था. तो सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, तो मैंने यहाँ पे उस सम की जगह क्या लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा. एंड जो हमारी टर्म सी होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, अल्फा इंटू बीटा को, तो सी की जगह मैंने डायरेक्टली क्या लिख दिया, अल्फा इंटू बीटा. अब जो क्वेश्चन है ना आपका, वो देखो क्वेश्चन है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ईच विद अ गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट. अब जो आपको नंबर गिवन है ना वो एज अ सम होल एंड प्रोडक्ट ही गिवन है, तो हम उस नंबर को सम की जगह सम को पुट कर देंगे एंड प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट को पुट कर देंगे. क्वेश्चन देखो, पहले फर्स्ट वाला ये है. अब है ना इसको आप लोग ऐसे मत मानना कि ये अल्फा ये बीटा है. अगर एग्जाम में ऐसा आता है तो वो देगा आपको कि जीरोज आर गिवन देयर, जीरोज गिवन होंगे तो फिर वो अल्फा बीटा है. यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया है कि सम और प्रोडक्ट ही है. तो देखो, अल्फा प्लस बीटा, सम की जगह तो हमको पुट करना है 1/4, एंड अल्फा इंटू बीटा की जगह हमको पुट करना है -1. ये ध्यान रखना. अब इक्वेशन क्या बनेगी, पहले एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस ये माइनस क्यों आया, क्योंकि ये इक्वेशन खुद कंटेन करती है, ये तो प्लस का है, अगर ये माइनस का होता तो माइनस माइनस प्लस बन जाते हैं. ठीक है, लेकिन इक्वेशन ऐसी नहीं होती कभी भी. अब क्या करो आप, हमको यहाँ से ये 4 हटाना है तो इस पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दो, या फिर सिंपल लैंग्वेज में इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो एंड यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, 4x² - x - 1 = 0. अब क्या होगा, ये हो गया हमारा आंसर इक्वेशन. जब आप इसको स्प्लिट करोगे ना, आती है वो तो आपको, तो वापस क्या जाएंगे आपके, अल्फा बीटा कुछ आएंगे, सम आपका आएगा 1/4 एंड मल्टीप्लाई आपका आएगा 1. ठीक है, ये आप करके देख लेना, भले ऐसा ही आएगा. इसके एक दो क्वेश्चन और देख लो एंड देन हमारी एक्सरसाइज 2.2 खत्म हो जाएगी. सेम क्वेश्चन है, दो चीज़ें गिवन है, दैट इज सम एंड जीरो. सबसे पहले इक्वेशन फ्रेम करते हैं. ये वाली टर्म जीरो हो गई, ये बन गई इसकी इक्वेशन. ठीक है, नेक्स्ट ये माइनस एंड ये माइनस, क्या बन जाएगा, प्लस. ऐसे बाहर माइनस लगता है, अंदर हमारा ये 1/4 खुद माइनस कंटेन कर रहा है, तो मैंने क्या कर दिया उसको ऐसे लिख दिया. एंड नेक्स्ट, सॉरी, यहाँ पर एक्स लाएगा. अब दोनों 4 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो दिस बिकम्स, ठीक है, ये बन गया x² - 4x² + x + 4 एंड ये बन गया x² + √5. यानी कि इसके अंदर जो बीच वाली टर्म थी बी वाली, वो 0 है. ठीक है, तो आपकी 2.2 के अंदर यही है ना. अब जब हम 2.3 स्टार्ट करेंगे ना, तो हम डिवाइड सीखेंगे कि पॉलीनोमियल्स को आप डिवाइड कैसे करोगे, है ना, आपस में. नॉर्मल डिवाइड सबको आता है, पॉलीनोमियल डिवाइड कैसे करेंगे हम लोग, हम 2.3 में सीखेंगे. ठीक है, आपको PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी, होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा. थैंक यू.